हम दोनों ही निकले हैं मार्केट के साइड, बाकी सबको विकेट डाउन हो चुका है। अभी देखते हैं मेडिसिन लेके ना वापस जाएंगे। ले मार्केट का वाइब रात को कुछ अलग ही होता है, पूरा चमक धमक से एकदम सज उठता है और माहौल एक नंबर बन जाता है। लड़की ये बताओ, लड़की तुम ठीक हो गई हो? तुम ठीक हुई हो? नहीं हुई हो? कुंजु कुंजु। अच्छा कुंजु कुंजु, अभी खाने पे ध्यान देते। ये लोग कहीं गए इस साइड पे, पवन और कार्तिक मिल नहीं रहे, आएंगे तो बताऊंगा। अच्छा क्या खाना है देखो। ठंडी तो बहुत है भाई साहब, ठंडी बहुत लग रही है। मैं कान ढक लिया भाई, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है। रात के 12 बज रहे, पूरा रोड खाली है, बस हम तीनों इधर हैं। दो गायब हो चुके हैं और दो फोटो खिंचाने गए। दो कहाँ हैं यार? कार्तिक लोग का पार्किंग लॉट पे चलते हैं, देखते हैं पार्किंग लॉट पे क्या हाल है भाई। ये कहाँ डालते रहना देंगे, चलो चलो डॉक्टर साहब। अंदर का कुछ व्यू ऐसा है, ये इधर से ये मेरा रूम है, इधर रूम टूर मैं बाद में दे दूँगा। ये बाकी सब लोगों का रूम है, ये कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, ऐसा ही ऊपर से। इधर भी चिल कर सकते हो, नीचे झूला भी है, बैठने का एरिया भी, सिटिंग एरिया। अभी बस निकलने वाले तो ये सीन है, सीढ़ियाँ कुछ ऐसे हैं। ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, चलो ये हम रुके हैं स्काईलैंड गेस्ट हाउस, ऐसा दिखता है। बहुत ही सही प्रॉपर्टी है, पार्किंग वार्किंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है, पार्किंग बहुत ज़्यादा जगह है पार्किंग का। हम लोग सब उधर ही रखे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि इधर बहुत सारे बाइक्स और गाड़ियाँ और थे। एंड ये दो बिल्डिंग्स है, काफ़ी सारे रूम्स हैं, आउटसाइड लॉन है एंड ऊपर भी बैठ सकते हो, उसके ऊपर भी वो टेरेस में भी बैठ सकते हो। तो चलो ये हम सबका बाइक्स अब एक एक करके निकालेंगे, किसी का हेलमेट भी लटका हुआ है। ये रहा फ्लावर्स एंड ऑल सब है, सही दिख रहे हैं। इधर तो डॉग्स भी है बट वो अभी मिल नहीं रहे। ये मिल गया एक, ये एक मिल गया, ये सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। भाई वो बिल्ली नहीं दिख रही है, सिम कार्ड ले लिया हम लोगों ने अभी, मैंने BSNL का लिया, कार्तिक ने लिया जियो का। तो अभी जिस मेन मार्केट में खाने का कुछ देख रहे हैं, कुछ खाने वाने का मिल जाए तो खाना वाना कर लेंगे एंड देन निकल जाएंगे इधर से। ले का ब्रांच भी है इधर ICICI बैंक का, देख के अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ उनका ब्रांच ICICI बैंक का। ये सामने ये वाला, बाकी इधर कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, देखते हैं। अभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बस खाना आने वाला है, ऑर्डर हो चुका है बट इधर आते आते ही ख़त्म हो चुका है एक चीज़। अब थोड़ा दिखा देता हूँ बाहर का व्यू कैसा है, ये देखो व्यू देखो, बस क्या व्यू मस्त आता है, सही व्यू है। चलो आगे जाके दिखाता हूँ। इधर डेकोरेशंस भी बहुत ही सही किया है, जस्ट व्यू लुक एट द व्यू। में लेफ्ट में पैलेस, ऊपर मॉनेस्ट्री, सही है। और ये मार्केट मेन मार्केट है, टोमेटो वाला ये भी उधर।
अभी यहाँ मोमोज लेकिन सही देते हैं। हो गए अभी निकल पड़े हैं, अभी ऋषभ लोगों के पास चलते हैं, वो लोग हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम, एंड देन उधर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये रास्ता लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता खारदुंगला जाता है जहाँ पे हम लोग कल जाएंगे। अभी के लिए तो नीचे वाला रास्ता पकड़ के हम लोग ले मनाली हाईवे लेंगे, एंड उधर ही रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर शोरूम जो भी है वो सब उधर ही है। वो लोग सब अभी उधर ही वेट कर रहे हैं तो अभी पहुँचते हैं। राइट के साइड पे, मतलब मनाली जाने वाला जो रोड है उस साइड पे। ठीक है, ये हाईवे चालू। थोड़ा बहुत हम ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं, मनाली वाला ही हाईवे है ये, एंड चोगलम सर के आसपास का जगह पे हम लोग अभी है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी ठीक से मोनेस्ट्री के पास, पहले ठीक से पहुंच जाएंगे फिर वापस उल्टा हम इधर के ओर लेके और वापस आ जाएंगे। उधर रांचो स्कूल जो है ना वो भी है, तो उधर भी हम लोग शायद रुकेंगे। श्रेय पैलेस अगर टाइम मिला तो उधर भी रुकेंगे, एंड देन विल हेड बैक टू जो ले में वॉर मेमोरियल है। ठीक है, तो वो सब भी देखेंगे। चलो तो बने रहिए, एक के बाद एक कर रहे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं जितना पॉइंट्स हो सके आपको दिखाने के लिए। चलो तो अभी भी कुछ एक दो किलोमीटर बाकी है इधर से, और वो सामने देख रहा है जो मॉनेस्ट्री वही है ठीक से मॉनेस्ट्री। अभी जाके हम उधर ही रुकेंगे, एंड लेट्स सी बाकी लोग आ रहे हैं पीछे, बस पवन पीछे ही है, पवन के पीछे ही कार्तिक है, बाकी लोगों का थोड़ा सा पता नहीं कहाँ है। अभी आ जाएंगे फिर हम लोग, अंदर जाना है तो जाएंगे, नहीं तो बाहर से घूम के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत क्लाइम करना पड़ता है। ठीक है, और तबीयत अभी भी सबका ठीक नहीं हुआ है, एंड स्टिल पीपल आर थिंकिंग कि वापस होटल पे चले जाए, एंड क्या कर सकते हैं, तबीयत ऑब्वियसली पहले आता है, हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो ये देखते हैं अभी यार, जाके फिर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। थोड़ा बहुत धूप है अभी भी, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा धूप है, और धूप की वजह से जल तो रहा है, अगर मैं रुक जाऊँ ना कहीं पे तो वो जलेगा, एंड वही इशू है और कुछ नहीं। बस पहुँच ही गए, ये रहा थिक्सा मॉनेस्ट्री, ये दिस इज़ थिक्सा मॉनेस्ट्री। बस आगे की तरफ घूम के आगे की तरफ जाएंगे, उधर ही थिक्सा मॉनेस्ट्री आपको दिख जाएगा। इधर से काड़ू 15 किलोमीटर, और काड़ू से थोड़ा आगे जाके जो लेफ्ट वाला रास्ता जाता है वो जाता है आपको पैंगोंग लेक की तरफ वाया चांगला, जो मैंने लास्ट टाइम किया था, तो वो अराउंड 207 किलोमीटर है इधर से। और ये रहा ठीक से मॉनेस्ट्री, आप देख सकते हो ये 1 किलोमीटर लिखा हुआ है ठीक से अभी भी। एंड चलो जी पहुँच ही गए हैं, वैसे तो घुमाना है। ये रहा, आई थिंक ये सीढ़ियाँ है जहाँ से चढ़ना है, बट आई डोंट नो कि लोग चढ़ेंगे भी कि नहीं। धूप से बचने के लिए मैं बस इधर खड़ा हूँ। और क्या है? ओयो गया, कॉल करो, देख लिया देख लिया। आगे आगे जा सकते, आगे की तरफ बढ़ो, तुम धूप में मत खड़े रहो, आगे बढ़ो। चलो देखते हैं आगे की तरफ। हम एंटर कर चुके हैं, पूरा ये थिक्सट्री मॉनेस्ट्री का एरिया है अभी, एंड इधर से अब थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ तक गाड़ी जाता है, उसके बाद शायद हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अभी देखते हैं 1 किलोमीटर शायद आगे तक जा पाएंगे हम लोग इधर से, एंड बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मॉनेस्ट्री है। स्कूल वूल सब कुछ है इसमें, बहुत ही बड़ा मॉनेस्ट्री है इधर का। क्या व्यू लग रहा है पीछे इधर से, थोड़ा सा ये बैरियर जैसा है सामने, बट काफी ज्यादा अच्छा व्यू है इधर से, क्या मस्त है यार। अब देखना है कहाँ पार्क कर सकते, पवन किस तरह गया होगा,
मणिकंदन का बाइक मिल गया इधर, तो ऊपर जाता हूँ। चलो पहुँच गए। हाँ ठीक से, मोनेस्ट्री काफी बड़ा और ऊंचा भी है, तो थोड़ा बहुत आपको स्टेयर्स पे चढ़ना तो पड़ेगा। ऊपर पहुंचते ही पहले भगवान बुद्धा का दर्शन कर सकते हैं, जिनका प्रेयर हॉल ऊपर में कोर्टयार्ड के राइट हैंड साइड पे है। ये आइडल 15 मीटर लंबा और इसे मैत्री बुद्धा यानी फ्यूचर बुद्धा के रूप में जाना जाता है। इस आइडल का रंग एंड डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये मॉनेस्ट्री के सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स में से एक है। ये मेन कोर्टयार्ड इस मॉनेस्ट्री के डिफरेंट टेंपल्स को कनेक्ट करता है। त्योहारों के टाइम ये सज उठता है और इधर बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। थिक्से मॉनेस्ट्री में तारा श्राइन काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर गॉडेस तारा के 21 आइडल्स स्थापित है, जो कि कंपैशन और प्रोटेक्शन की गॉडेस है। मेन प्रेयर हॉल में मॉन्क्स एंड विजिटर्स के लिए लाइन में छोटी छोटी सीट्स बने होते हैं, जहां वो बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। दीवारों पर सुंदर मुरैल्स बने होते हैं। बीच में बुद्धा का एक मेन मंदिर है और वहां कई पवित्र ग्रंथ और धार्मिक किताबें रेशम के कपड़े में लपेट के रखी जाती है। ये मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स का सबसे शक्तिशाली मंदिर है। इसमें वज्रभैरव कबीरा शामिल है। वज्रभैरव के 9 चेहरे, 34 हाथ और 16 पैर है। मेन चेहरा बफेलो जैसा दिखता है और ऊपर एक लाल चेहरा है और सबसे ऊपर चेहरा मंजूश्री का है और उनका चेहरा पूरे साल ढका रहता है। सिर्फ अक्टूबर और नवम्बर में कस्टर फेस्टिवल के दौरान ही चेहरा खोला जाता है। ये कुछ था थिक्से मॉनेस्ट्री अंदर से। अब आपको ड्रोन शॉट्स दिखा देता हूँ, सीधा आपको बाहर का नज़ारा दिखेगा। अभी थिक्से मॉनेस्ट्री ये रहा। थिक्से मॉनेस्ट्री आप लोगों ने देखा ही होगा, अंदर का थोड़ा थोड़ा शॉट्स मैंने लिया था, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं। वॉइस ओवर डालूंगा क्योंकि भाई थोड़ा सा शांत रहना ही बेटर है ये सब जगह में ना। अभी बिना जीपीएस के वापस चले जाऊंगा, रोड तो पता ही है। एंड एपिसोड काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो ये एपिसोड इधर तक ही। आगे का सफ़र आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो उसे ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड पे।